हिंदुस्तानी क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक बड़ा झटका। कल इंडिया और इंग्लैंड का सेमीफाइनल मैच, जो कि T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मैच था, जहां पर हिंदुस्तानी क्रिकेट प्रेमियों के लिए ये अंदाज़ा था कि हिंदुस्तान यहां पर एक बड़ी जीत दर्ज करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या बात है इनकी हार में, ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। किस चीज़ की वजह से इंडियन क्रिकेट टीम की ये शर्मनाक हार किसके सर जाती है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ आखिर तक बने रहें, हम बताएंगे तफसील से इस मैच की कुछ डिटेल्स। जैसे ही मैच का टॉस उछाला गया, इंग्लैंड ने वहां पर भी कामयाबी हासिल की, टॉस जीता और पहले फील्डिंग का मशवरा दिया, और फील्डिंग करते हुए हिंदुस्तान के सामने बैटिंग रखी गई और हिंदुस्तान ने अपने ओपनर्स को उतारा, और देखते ही देखते ओपनर्स के साथ कई बैट्समैन अपने फॉर्म से हटकर इंग्लैंड के गेंदबाजों के सामने ढेर हो गए, और ऐसे तैसे करते हुए 168 का टारगेट दिया गया, जिसे इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने बड़ी ही आसानी के साथ हिंदुस्तानी बॉलरों की धज्जियां उड़ाते हुए, हिंदुस्तानी बॉलरों को अपने घुटनों पर बिठाते हुए उनके ओपनर्स ने महज 9 ओवर्स में 100 रन का आंकड़ा पार किया। और जैसे ही 100 रन का आंकड़ा सिर्फ 9 ओवर में पार हो गया, वहां से हिंदुस्तानी खिलाड़ियों के चेहरे से ये साफ जाहिर हो रहा था कि ये वो मैच हार रहे हैं। MS धोनी ने नाराज़गी का इजहार करते हुए इस मैच की कुछ अहम बातें बताई कि इस हार के पीछे अहम रोल बैट्समैन का रहा है। अगर बैट्समैन की ओपनर जोड़ी अपने फॉर्म में होती और उन्हें इस बात को याद रखना होता कि ये T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल है और इन्हें अपनी जोड़ी में कम से कम अगर 25-30 रन और बना लेते तो इंडिया का स्कोर 180 और 190 के पार होता, तो ये जीत इंडिया के पास होती। और इन्होंने कहा कि ओपनर्स के साथ साथ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन भी अपने फॉर्म में दिखाई नहीं दिए हैं, और इन्होंने कहा कि इनकी बल्लेबाजी तो ख़राब ही थी और इनके साथ साथ इनके बॉलर्स इतना ख़राब प्रदर्शन किए कि इन्हें बड़ी ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हिंदुस्तानी बॉलिंग आज कुछ अपना कारनामा नहीं की। इन्होंने इस वक्त बुमराह को याद करते हुए कहा कि आज मुझे बुमराह की याद आ गई, अगर बुमराह इस मैच में होते तो कहीं भी टर्निंग पॉइंट होता। तो ये थी इंडिया की हारने की वजह, जिसे MS धोनी ने कहा, और इसके बाद कई बड़े बड़े बैट्समैन ने ट्वीट करते हुए अफसोस का इजहार किया और अपनी गलती मानी। इंग्लैंड के ओपनर बल्लेबाजों ने पूरा 169 का स्कोर कंप्लीट किया और इस मैच को अपने नाम किया और अपनी जीत को दर्ज करवाया T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में, जो मुकाबला करेगी पाकिस्तान के साथ। देखते रहिए इंडिया 18, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।